दोस्तों बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत संजीदा महफिल और हर शेर की हिफाजत कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आने वाले जो शुरा हजरात हैं एक से कलाम सुनाएंगे। मैं सिर्फ एक गजल पढ़ के इजाजत चाहूंगा कि औरों को भी आप जी जी समझ जी आता। आज उसका ख्याल आया है, वाह, आज उसका ख्याल आया है, आज उसका ख्याल आया है, आज उसका ख्याल आया है, जो हमारा नहीं पराया है, जो हमारा बहुत नहीं पराया है, जो हमारा नहीं पराया है। हसन काजमी साहब बहुत ही सीनियर शायर असद आजम में शुमार किए जाते हैं। मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ, आपकी दुआ मिल जाए इंशाल्लाह, मुझे कामयाबी मिल जाएगी। कि चेहरा उतरा है, बाल बिखरे हैं, क्या बात है, चेहरा उतरा है, बाल बिखरे हैं, हाल उसने ये क्या बनाया है, हाल उसने ये क्या बनाया है, हाल उसने ये क्या बनाया है, कि बुझ गई शम जल उठे हैं दिल, आहा आहा वाह क्या बात है वाह, कि बुझ गई शम जल उठे हैं दिल, आज महफिल में कौन आया है, आज महफिल में कौन आया है, आज महफिल में कौन आया है, कि पहले जिसने बहुत हंसाया था, पहले जिसने बहुत हंसाया था, कि पहले जिसने बहुत हंसाया था, आज उसने बहुत रुलाया है, आज उसने बहुत रुलाया है, वाह 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 वाह, आज उसने बहुत रुलाया है, हिजर की रात मैं अकेला हूँ, क्या कर्म है, हिजर की रात मैं अकेला हूँ, साथ है तू न तेरा साया है, साथ है तू न तेरा साया है, वाह वाह वाह, साथ है तू कि तंज करता है, तंज करता है, इस शेर पे तो चाहूंगा दोस्तों और आप लोगों की मोहब्बत भी चाहूंगा, कि तंज करता है मेरे चलने पर, तंज करता है मेरे चलने पर, समझ फरमाए, कि तंज करता है मेरे चलने पर, मैंने चलना जिसे सिखाया है, मैंने चलना बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं डॉक्टर ओझा साहब कि उन्होंने मुझे मोहब्बत से नवाजा जी जी, और ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी गजल की जो है कामयाबी है, बिल्कुल बिल्कुल जी जी, कि तंज करता है, तंज करता है मेरे चलने पर,
चलना जिसे सिखाया है मैंने चलना जिसे सिखाया है कि बज्म में आज नुकता चीनों को क्या कहने बज्म में आज नुकता चीनों को आईना हमने फिर दिखाया है आईना बहुत खूब और आखिरी शेर बहुत ही खूबसूरत शेर दोस्तों जी तो जो तालीम हूँ कि मेरी तन्हाइयों के कमरे में मेरी तन्हाइयों के कमरे में तुम हो आए के चांद आया है तुम हो आए के चांद चांद आया है और ये सच्चा वाकया अपने शेर में पेश करने की कोशिश की समाज फरमाए इसके बाद मक्ता फिर इजाजत तू ही बतला तेरे इशारे पर क्या बात है तू ही बतला तेरे इशारे पर तू ही बतला तेरे इशारे पर सरहद लीपे कौन लाया है सरहद लीपे कौन लाया है और मक्ता अर्ज है समझ फरमाए ये जमाने का है रिवाज फराज ये जमाने का है रिवाज फराज जिसने खोया है उसने पाया है जिसने खोया है उसने पाया है बहुत खूब बहुत मुबारकबाद जनाब नासिर फराज साहब को मैंने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें पेश किया यकीनन वो उस पर खरा उतरे और आपने भी उन्हें सुनकर बता दिया कि आप अच्छी शायरी को बेहतरीन शायरी को नवाजने वाले हैं मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।